आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। फतेहपुर में स्वास्थ्य विभाग ने लगाया है कैंप, जहां कैंप में बच्चों का हुआ वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के दौरान बच्चों के चेहरे जो थे वो खिले हुए दिखाई दिए हैं। हथगाम ब्लॉक के छिवलाहा के जनता इंटर कॉलेज का ये मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आज फतेहपुर में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कैंप लगाया गया था। आपको बता दें कि 15 से 18 वर्ष के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, जहां पर बच्चों को वैक्सीन का पहला डोज लगाया जा रहा है। इसी कड़ी में वैक्सीनेशन के दौरान बच्चों के जो चेहरे थे वो खिले हुए दिखाई दिए। हथगाम ब्लॉक के छिवलाहा के जनता इंटर कॉलेज में ये वैक्सीनेशन का कैंप स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगाया गया था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भारी मात्रा में जो बच्चे हैं वो वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे हुए थे, जहां पर बच्चों का टीकाकरण आज किया गया है। हथगाम ब्लॉक के छिवलाहा जनता इंटर कॉलेज में वैक्सीनेशन कैंप आज आयोजित किया गया था। फतेहपुर में आज स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये पूरा कैंप लगाया गया, जहां बच्चों का वैक्सीनेशन किया गया है। वैक्सीनेशन के दौरान बच्चों के चेहरे खिले हुए दिखाई दिए हैं। फतेहपुर से पूरा मामला सामने आया है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से आज वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जहां पर कैंप में भारी संख्या में 15 से 18 वर्ष के जो किशोर थे वो वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे हुए थे। और वैक्सीनेशन के दौरान जो बच्चे थे उनमें काफी खुशी देखने को मिली है। हथगाम ब्लॉक के छिवलाहा जनता इंटर कॉलेज में आज ये कैंप आयोजित किया गया था। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे फतेहपुर संवाददाता अमरदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अमरदीप, आज बच्चों का वैक्सीनेशन कैंप जो था वो जनता इंटर कॉलेज में संपन्न हुआ है, क्या कुछ स्थिति थी, क्या कुछ है वहाँ के बच्चों का रिएक्शन रहा? देखिए, बिल्कुल ये सही है कि जो ये पहले तो कोरोना की फर्स्ट स्टेज, फिर सेकेंड स्टेज, जो थर्ड स्टेज जो आने की आशंका व्यक्त की जा रही है, उसके तहत जो कल से 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए, छात्रों के लिए जो भी है, उनके लिए उनको वैक्सीनेशन के लिए जो सरकार ने अच्छा कार्य किया है, तो उस अच्छा कार्य का परिणाम ये देखने को मिल रहा है कि अब जो है स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार कैंप करके इंटर कॉलेजों में बच्चों को जो है वैक्सीनेशन का कार्य कर रही है। आप चित्रों के माध्यम से देख सकती हैं कि बच्चे इंजेक्शन में वैक्सीनेट हो रहे हैं और बच्चों में खुशी का माहौल भी है। तो जरूर ऐसा लगता है कि जो सरकार एक प्रयत्न कर रही है, प्रयास कर रही है कि कोरोना की थर्ड स्टेज ना आने पावे, तो उससे जरूर ये बच्चे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे होंगे। जी। तो अमरदीप, जो वैक्सीनेशन कैंप का ये जो आयोजन किया गया था, बच्चों ने भारी संख्या में वैक्सीन भी लगवाई है, क्या कुछ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से वहाँ पर तैयारियां की गई थी, किस प्रकार से ये पूरा मैनेज किया गया था चीजों को? देखिए, ये मामला तो बहुत पहले से चल रहा था कि पहले तो देखिए कहते हैं बालिकों के लिए था, पर अब ये जो 15 से 18 साल के बच्चों का जो कार्यक्रम था, इसकी रूपरेखा बहुत पहले से तैयार कर ली गई थी। और इसी रूपरेखा के तहत जो पहले बहुत सारी विसंगतियां सामने आई, पर अब वो विसंगतियां ऐसी कोई भी नहीं सामने नजर आ रही, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग लगातार पूरी तरीके से सतर्कता बरत रहा है और आगे भी बरतेगा, क्योंकि जो थर्ड स्टेज आने की जो बात कही जा रही है, उसको भी ओमिक्रॉन के आने की जो बात कही जा रही है, तो उससे अभिभावक भी अपने बच्चों को सुरक्षित करने के लिए पूरा प्रयासरत है, चाहे अभिभावक हों या बच्चे हों, सभी वैक्सीनेशन के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। ऐसा कहीं से भी नहीं जो पहले भ्रांतियां थी कि वैक्सीनेशन अच्छा नहीं है, पर पूरी तरीके से ये लागू है और लागू होना भी चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अमरदीप आपका इस जानकारी के लिए, और आपसे आगे भी खबरों पर बात करते रहेंगे। तो ये एक अच्छी खबर सामने आई है फतेहपुर से, जहां पर वैक्सीनेशन कैंप जो था वो आयोजित किया गया था, जहां पर भारी संख्या में जो किशोर थे वो वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ फतेहपुर से एक और मामला सामने आया, जहां एक किसान की मौत की खबर मिली है। आपको बता दें कि खेतों में सिंचाई करने के जो दौरान एक किसान की मौत हुई है। ट्रेन की चपेट में आने से किसान की दर्दनाक मौत होने की खबर सामने आई है। रेलवे ट्रैक के पास किसान का शव बरामद किया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। खागा कोतवाली के मंजल गांव चौकी के छीमी गांव की ये पूरी घटना आपको बता रहे हैं फतेहपुर से, जहां पर एक किसान की मौत की खबर मिली है। आपको बता दें कि खेतों में सिंचाई करने गए किसान की मौत की खबर सामने आई है।
वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे फतेहपुर संवाददाता अमरदीप हमारे साथ बने हुए हैं। तो अमरदीप, किसान की मौत की खबर मिली है जहां ट्रेन की चपेट में आने से किसान की मौत हुई है, क्या कुछ पूरा मामला है? अमरदीप, आपको मेरी आवाज आ रही है? शायद अमरदीप से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम एक बार फिर से उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये फतेहपुर से आपको मामला बता रहे हैं जहां पर खेतों में सिंचाई करने गया किसान ट्रेन की चपेट में आ गया, जिसके बाद उसकी दर्दनाक मौत हो गई। और इसी बीच लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर, जहां कोरोना की दस्तक दिखाई दी है, एक्टिव मरीजों की संख्या जो है वो 5 पहुंच चुकी है, 2 SSB के जवान भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर, जहां कोरोना की दस्तक एक बार फिर से दिखाई दी है, एक्टिव मरीजों की संख्या अब कुल 5 हो चुकी है, 2 SSB के जवान कोविड संक्रमित पाए गए हैं। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर, जहां पर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है, एक्टिव मरीज जो है कोविड के वो 5 हो चुके हैं। वहीं बाराबंकी में कोतवाल हुए हैं लाइन हाजिर, जनविश्वास यात्रा के दौरान कोतवाल ने छुए हैं सांसद के पैर। कोतवाल ने अयोध्या सांसद लल्लू सिंह के पैर छुए। सोशल मीडिया पर पैर छूने का वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। अयोध्या से बाराबंकी में हुआ था अशोक सिंह का तबादला, रामसनेही घाट पहुंचे थे सांसद अजय लल्लू, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया है बाराबंकी से, जहां पर कोतवाल लाइन हाजिर किए गए हैं। जनविश्वास यात्रा के दौरान कोतवाल ने सांसद के पैर छू लिए थे। अयोध्या सांसद लल्लू सिंह के पैर छूता हुआ कोतवाल दिखाई दिया है सोशल मीडिया पर, यह वीडियो तेजी के साथ वायरल हुआ था, जिसके बाद अब कोतवाल लाइन हाजिर किया गया है। अयोध्या से बाराबंकी हुआ है अब अशोक सिंह का तबादला, रामसनेही घाट पहुंचे हुए थे सांसद लल्लू सिंह, जिसके बाद ये पूरा प्रकरण सामने आया था। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।